साइरम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो योग अपनाएगा वह रोगों को दूर भगाएगा। सिंपल सादा जो वाक्य हमने पढ़ा, जो योग अपनाएगा वह रोगों को दूर भगाएगा। योग हम करते हैं तो रोगों को हम दूर रख सकते हैं। बच्चों, यह मैंने क्यों बताया, क्योंकि देश विदेश में योगा कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और उस योगा कॉन्फ्रेंसेस में जो सेशंस होते हैं उसमें सबसे पसंदीदा जो सेशन रहता है वो होता है प्रैक्टिकल सेशन का, वो होता है आसनों का। जब भी हम आसन करते हैं तो वो करने के लिए, देखने के लिए हमें और लोगों को दोनों को अच्छा लगता है। आसन जो है वो जब भी हम प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, और इसीलिए जब भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तभी प्रैक्टिकल सेशंस लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। चलो, अभी हर रोज की तरह हम योग साधना शुरू करेंगे। आपको मालूम ही है, मेडिटेशन, ओंकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग से ही हम हमारी साधना की शुरुआत करते हैं। इसीलिए ऑल ऑफ यू बी रेडी, सिट इरेक्ट, बैक स्ट्रेट एंड फ्यू सेकेंड्स जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। आईज क्लोज, ब्रीद इन ब्रीद आउट, शांत एंड स्वस्थ, फेशियल एक्सप्रेशंस कंप्लीटली नॉर्मल। शरीर शांत, मन शांत हो रहा है, उसके साथ साथ विचार कम हो रहे हैं। इस अवस्था में अभी हम करेंगे ओंकार चैंटिंग मीडियम वॉइस, तीन स्वर में तीन ओंकार हम करने वाले हैं। मीडियम वॉइस, बी रेडी, बोथ द हैंड्स ऑन योर नीज, बैक स्ट्रेट, रेचक, डीप पूरक, कंप्लीटली रेचक। ब्रीद इन, ओ डीप पूरक, ओ ब्रीद इन, ओ फिफ्टी परसेंट ओंकार करने के बाद अगर हम हमारे विचारों की तरफ ध्यान देते हैं तो पहले से बहुत ही विचार, हमारे थॉट्स अभी कम हो गए। यह जो तरल अवस्था है, इस तरल अवस्था में अगर हम मंत्र चैंटिंग अगर करेंगे तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारे ब्रेन के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए मंत्र चैंटिंग की तरफ भी हमें मन से ध्यान देना है। जब भी हम मंत्र चैंटिंग करेंगे तभी उच्चारण के ऊपर ध्यान, लिप्स के ऊपर ध्यान पूरी तरह से होना जरूरी है। आज का जो मंत्र है वह हम करेंगे ओम नमः शिवाय चैंटिंग। ब्रीद इन ब्रीद आउट, डीप पूरक, कंप्लीटली रेचक, स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थ्री मोर टाइम्स, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुट द हैंड्स डाउन, टोटली फिजिकली मेंटली रिलैक्स, be fresh, be good, be feel happy, thoughts कम हो गए हैं और हमें बहुत ही शांत लग रहा है, उसे हमें अनुभव करना है।
मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग के बाद शरीर हमारा, मन जो है वो हमारा शांत हुआ है और आगे की योग साधना के लिए हमारा शरीर तैयार होने के लिए हमें शुरुआत में करना है वार्मिंग अप, लूजनिंग एक्सरसाइज। बॉडी को थोड़ा हम लूज करते हैं तो आगे के आसन हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज का जो एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं फुल बटरफ्लाई पोस्चर, जो पैरों के लिए वह एक्सरसाइज अच्छी तरह से हमें देता है। दोनों थाइस के ऊपर हमें अच्छा एक्सरसाइज देना है और इसीलिए हमें ये जो दोनों पैर है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे हील्स और हमारे जो फिंगर टोज जो है उस टोज को हमें पकड़ना है और उसके बाद हमें सिर्फ हमें थाइस को ऊपर नीचे हमें हिलाना है। यह होने के बाद हमें थोड़ी सी हमें विश्रांति लेनी है। वार्मिंग अप होने के बाद हमारी बॉडी आगे की आसन के लिए तैयार हो जाती है, इसीलिए वार्मिंग अप करना बहुत ही जरूरी है। अभी वार्मिंग अप एक्सरसाइज हमारा होने के बाद आज का जो हम आसन देखने वाले हैं वो मकरासन देखने वाले हैं। अभी यह जो मकरासन है वो मकर मिस मगर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल पोज इसे कहते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आसन हम करते हैं, योगा साधना हम करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि शारीरिक और मानसिक संवर्धन होने के लिए, हमारा शरीर जो है वो और सशक्त होने के लिए, साथ ही साथ मन भी सशक्त होना जरूरी है, पॉजिटिव एंगल हमेशा रहने के लिए। लेकिन और भी एक बात ऐसे है कि जब भी हम ये प्रैक्टिकल सेशन करते हैं, आसन करते हैं, तभी हमारा बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी सशक्त होना जरूरी है। अगर हमारे बैक में पेन होगा तो पूरे दिन हम डिस्टर्ब रहते हैं और इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को सशक्त बनाना, उसको स्ट्रांग बनाना, इसके लिए हमें कुछ आसन स्पेसिफिकली करना जरूरी है। देखो, हमारा बैक पोर्शन अगर हमारा स्ट्रांग हो तो अगर हम ऐसे स्ट्रांग उसे महसूस करते हैं तो फिर वह मनुष्य या आदमी व्यक्ति तो तरोताजा होता है, एनर्जेटिक फील करता है और इसीलिए जितना हमारा बैकबोन लचीला फ्लेक्सिबल उतने ही हम और भी अच्छे। इसीलिए कुछ आसन जो है फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ये सभी आसन में हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को एक्सरसाइज देते हैं। लेकिन ये जब ये आसन हम करते हैं तभी इन आसनों के पहले और इन आसनों के बाद हमें क्या करना है, रिलैक्सिंग पोजीशन लेना है, विश्रांतिकारक पोजीशन लेना है और इसीलिए मैंने आज का जो आसन लिया वो है मकरासन। पेट के बल पर सोकर हम इस आसन को करेंगे, बैठेंगे तो रिलैक्सिंग पोजीशन है, खड़े रहेंगे तो रिलैक्सिंग पोजीशन है, हम पीठ के ऊपर सोते हैं तो शवासन पोजीशन हमारी रिलैक्सिंग पोजीशन है और जब हम पेट के बल पर सोएंगे तो भी विश्रांतिकारक पोजीशन है, उसे हम कहेंगे क्रोकोडाइल पोज मकरासन। इसका मतलब क्या हुआ कि नया आसन करने से पहले और करने के बाद यह विश्रांतिकारक आसन अगर हम करते हैं तो हमें आराम भी मिलता है और साथ ही साथ आगे की साधना के लिए शरीर हमारा और भी तैयार होता है और अच्छी तरीके से आसन हम कर सकते हैं। इसीलिए आज का जो आसन है वो उसमें से दूसरा जो पार्ट है वह हम आज सीखने वाले हैं। यह आसन है मकरासन पार्ट टू, क्रोकोडाइल पोज। अभी जो हम मकरासन पार्ट टू देखने वाले हैं, इस मकरासन में भी हमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड को विश्रांति मिलती है, आराम मिलता है और साथ ही साथ हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अच्छी तरह से सशक्त भी होता है। अभी यह आसन करते वक्त हमें हमारे पेट के ऊपर सोना है, हमें हमारे दोनों हाथ जो है वो ऊपर की सिर की तरफ हमें फोल्ड करके रखना है और उसी रिस्ट के ऊपर हमें हमारा फोरहेड रखना है। सबसे बड़ी बात, पीछे पैर जो है वो दोनों पैरों में अच्छी तरह से डिस्टेंस है और हमारे हील्स
अंदर के साइड में और टोज आउटसाइड आउटसाइड में हमें रखने हैं। साथ ही साथ हमारा जो नेक पोर्शन जो है वो हम लोग राइट साइड लेफ्ट साइड जैसे हमें अच्छा लगे वैसे रखेंगे, या हम फोरहेड भी हम सिर्फ हमारे रिस्ट के ऊपर रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारे बैक पोर्शन को आराम देना, रेस्ट देना ये मकरासन के थ्रू हमें करना है। चलो अभी ये आसन हम कैसे करेंगे वह देखते हैं। अभी हम ये जो दोनों हाथ है वो हम सिर की तरफ आगे लेंगे और रिस्ट के ऊपर हम हमारा फोरहेड रखेंगे, दोनों पैर पीछे, डिस्टेंस हमने लिया है हील्स इनसाइड एंड टोज आउटसाइड। अभी हमें नेक को मुड़ते हुए हमें देखना है कि हमें राइट साइड या लेफ्ट साइड में नेक को इस प्रकार से रखना है। अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो सिर्फ रिस्ट के ऊपर वो फोरहेड भी रख सकते हैं। यह हुआ हमारा मकरासन पार्ट टू। अभी जो हम लोगों ने पेट के बल पर सोया हुआ हमने जो मकरासन देखा, क्रोकोडाइल पोज देखा, तो वो आसन करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। कभी हम रिलैक्स पोजीशन में हो, ऐसे ही हम जमीन पर लेटे हुए हैं, तो हम लोग मकरासन कर सकते हैं। अभी यह जो मकरासन है, यह मकरासन करने के बाद हमें लाभ क्या मिलते हैं वह हम देखते हैं। यह आसन जो है वो शरीर और मन को आराम देता है और खास तौर पर पीठ को वो आराम देता है, इसलिए हमें बहुत ही रिलैक्स फील होता है यह आसन करने के बाद। यह आसन स्लिप डिस वालों के लिए, साइटिका वालों के लिए, स्पेसिफिकली जिनके जिनको बैक प्रॉब्लम है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द है या स्पाइनल की कुछ परेशानी है, इन लोगों के लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही प्रभावशाली है। अस्थमा पेशेंट जो है उनके लिए तो यह आसन एक चिकित्सीय है कि यह अस्थमा पेशेंट के लिए, इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि हमें नेक को राइट साइड लेफ्ट साइड हमें नेक मुड़ कर फोल्ड करते हुए मोड़ना है, लेकिन अगर हमने उस प्रकार से हम नहीं रख सकते हैं, हमें कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम मैंने कहा था, तो तभी हम फोरहेड भी हम रिस्ट के ऊपर रखकर ये मकरासन कर सकते हैं। चलो अभी यह आसन इतना सिंपल था तो सावधानियां इसमें होगी ऐसे हमें लगेगा तो नहीं, लेकिन जिनको बैक प्रॉब्लम है, बैक इंजरी कुछ हुई है या वेस्ट में, स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ अगर दर्द है, तो उनको यह आसन नहीं करना है, इसका अभ्यास नहीं करना है। अदरवाइज मैं कहूँगी सबको यह आसन करना ही है। बच्चों मैंने कहा कि योग एक जीवन कला है, हमारा व्यक्तिमत्व, हमारा जो पर्सनैलिटी हमारी जो है उसको अगर डेवलप करना है, उसका विकास करना है, हमें आगे जाना है, तो हमें योग साधना करनी ही चाहिए। यह जब हम साधना करेंगे तो ही हमारे व्यक्तिमत्व में विकास होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, और इसीलिए मन को विश्रांति देने वाला, साथ ही साथ शरीर को, बैक पोर्शन को आराम देने वाला मकरासन पार्ट टू आज हमने सीखा। ऋषि मुनि कहते ही है कि आसन के अंतिम अवस्था में जो स्थिर रहता है, जो सुखा वह होता है, उसे कहते हैं आसन, मीन्स स्थिर सुखमासनम। आसन हम शांति से करें, जब भी करते हैं तभी उस अंतिम अवस्था में स्थिर रहे, स्टेडी रहे, और आरामदायक हमें लग रहा है यह फील जब भी होगा तभी उसे हम कहेंगे सुखावह। इसीलिए ऋषि मुनियों ने जो कहा सिर सुखमासनम, यह हर एक आसन के बाद उसकी अनुभूति, उसका अनुभव हमें लेना है, तो ही फिर उस आसन का आनंद हम ले सकते हैं। थैंक यू।